हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे ज्वार की टॉप 3 हाइब्रिड किस्मों के बारे में कि ये वैरायटी कैसी हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये किस कंपनी की हैं, इनकी जब भी हम बुवाई करते हैं तो इनकी बीज दर कितनी लगती है, इनकी कीमत क्या है, इनको हम किन किन राज्यों में लगा सकते हैं, इनको हम किस प्रकार की मिट्टी में उगा सकते हैं, तो सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे खेती संबंधी नई नई जानकारी आपको यहां से मिलती रहे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और इस वीडियो में जो भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं, इसमें न तो हम किसी भी कंपनी का प्रचार कर रहे हैं और ना ही किसी प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हैं। एक एजुकेशन पर्पज के हिसाब से हम इनकी वीडियो बना रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को एक सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज हम ज्वार की टॉप 3 हाइब्रिड किस्मों के बारे में बताएंगे, उनमें जो पहली किस्म है वो है SX17, जो कि क्रिस्टल कंपनी की ये वैरायटी है। और पहले ये वैरायटी सिंजेंटा कंपनी की आती थी, लेकिन अब ये क्रिस्टल कंपनी की आने लगी है। और ये वैरायटी SX17 हमारे भारत देश में काफ़ी प्रचलित वैरायटी है। ये वैरायटी मल्टीपल कट वाली है, इसकी बार बार कटाई होती है और इसकी लगभग 2 से 3 कटाई हो जाती हैं। इसका पौधा काफ़ी हरा रहता है और जब तक पौधा रहता है तब तक काफ़ी हरेपन पर रहता है। इसके पौधे की लंबाई की बात करें तो इसके पौधे की लंबाई लगभग 7 से 12 फीट तक हो जाती है। और इस वैरायटी में जो बालियां निकलती हैं वो काफ़ी लेट निकलती हैं, काफ़ी दिनों बाद इसमें बालियां निकलने की संभावना होती है। अधिक से अधिक इस वैरायटी में हरा चारा रहता है। इस वैरायटी का चारा स्वादिष्ट, मीठा और रसीला होने के कारण इसको पशु बड़े चाव से खाते हैं। और जो दुधारू पशु होते हैं इसके चारे को खाने के बाद काफ़ी दूध की मात्रा उनकी बढ़ जाती है और दूध में प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ जाती है। इसकी जो पहली कटाई है वो बुवाई करने के लगभग 45 से 50 दिन बाद शुरू कर सकते हैं। पहली कटाई आप बुवाई के 45 से 50 दिन बाद शुरू कर सकते हैं, या फिर आप 35 से 40 दिन बाद भी शुरू कर सकते हैं। 35 से 40 दिन बाद यदि शुरू करते हैं तो इसमें SCN की मात्रा पाई जाती है, जो कि एक पॉइजन जहर होता है जो पशुओं के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। यदि आप जल्दी कटाई शुरू करते हैं पहली कटाई, तो चारा काटने के बाद लगभग 3 से 4 घंटे तक आप चारे को पड़ा रहने दें, उसके बाद पशुओं को खिलाएं। और इसकी नियमित से 2 से 3 कटाई हो जाती हैं। तो ये काफ़ी अच्छी वैरायटी है SX17, जो कि भारत देश में काफ़ी प्रचलित वैरायटी है। बात करें इसके बीज दर की, तो इसकी यदि आप एकड़ के हिसाब से बुवाई कर रहे हैं तो 1 एकड़ के लिए लगभग 18 से 20 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है। यदि आपको बीघे के हिसाब से इसकी बुवाई कर रहे हैं तो 3.5 किलो से लेकर 4 किलो प्रति बीघे के हिसाब से बीज की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद बात करें इसकी कीमत की, तो ये आपको मार्केट में 140 रुपये से लेकर 150 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिल जाएगी। इसके बाद इसी कंपनी की एक दूसरी वैरायटी है जो कि स्टार है। ये स्टार वैरायटी भी काफ़ी अच्छी है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसका चारा भी काफ़ी स्वादिष्ट, मीठा और रसीला होता है। इसको पशु बड़े चाव से खाते हैं और इसके चारे को खाने से भी दूध की मात्रा बढ़ जाती है पशुओं में, जो दुधारू पशु होते हैं, और दूध में प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ जाती है। इसकी SX17 की अपेक्षा 1 से 2 कटाई ज़्यादा हो जाती है। इसकी 3 से 5 तक कटाई हो जाती है। ये वैरायटी भी मल्टीपल कट वाली है, जो कि ये बार बार कटाई वाली ये वैरायटी है। और इसकी जो कटाई का अंतराल होता है वो कम होता है SX17 की अपेक्षा, और इसका चारा भी काफ़ी अच्छा रहता है। इसकी बीज दर की यदि हम बात करें तो इसके यदि 1 एकड़ में आप इसके बीज की बुआई कर रहे हैं तो 1 एकड़ के लिए 15 से 18 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है। यदि आप बीघे के हिसाब से कर रहे हैं तो लगभग 3 से 3.5 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है। बात करें इसकी कीमत की, तो इसकी जो कीमत है इसकी कीमत लगभग 170 से 180 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आपको मार्केट में मिल जाएगी। इसी कंपनी की ये स्टार वैरायटी है, जो कि ये भी मल्टीपल कट वाली है। इसके बाद एक तीसरी वैरायटी है जो कि डेरी ग्रीन है, और ये डेरी ग्रीन वैरायटी जो कि ये सिंगल कट वाली है। यदि आप सिंगल कट के लिए हरे चारे की बुआई कर रहे हैं तो आप क्रिस्टल कंपनी की डेरी ग्रीन वैरायटी को भी लगा सकते हैं। ये वैरायटी काफ़ी अच्छी वैरायटी है, एक कटाई के लिए भारत देश में काफ़ी प्रचलित वैरायटी है। इसकी विशेषताओं की यदि हम बात करें तो इसका भी चारा एकदम हरा रहता है और अंत तक हरा रहता है। इसका चारा भी काफ़ी स्वादिष्ट, मीठा और रसीला होता है, और ये वैरायटी साइलेज के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। इस वैरायटी के जो लंबाई है सिट्टे की बोला हुआ 18 से 20 फीट तक हो जाती है, और इसका जो सिट्टा है उसको
मशीन में कूटने के बाद इसका सिट्टा फट जाता है। फटने के कारण पशु इसको बिल्कुल भी छोड़ते नहीं है, पशु सभी चारे को खा लेते हैं और काफ़ी मीठा चारा होता है इस वैरायटी को। इसकी बीज दर की यदि हम बात करें तो इसकी बीज दर एक एकड़ खेत के लिए लगभग 5 किलो से लेकर 7.5 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है। यदि आप बीघे के हिसाब से लगा रहे हैं तो एक बीघे के लिए लगभग 1 से 1.5 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है। बात करें इसकी कीमत की तो इसकी कीमत आपको मार्केट में 500 रुपये से लेकर 520 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिल जाएगी। तो ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। ये तीन वैरायटी हमने आपको बताई हैं, जो कि पहली एसक 17 और दूसरी स्टार, जो कि मल्टीपल कट वाली हैं, इनकी आप बार बार कटाई कर सकते हैं। और जो डेरी ग्रीन वैरायटी है ये सिंगल कट वाली है, आप इसको केवल एक बार ही काट सकते हैं। तो आप मल्टीपल कट वाली चारे की फसल लगा रहे हैं तो आप एसक 17 स्टार को लगा सकते हैं, या आप सिंगल कट वाली फसल को लगा रहे हैं तो आप डेरी ग्रीन को बेझिझक लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैरायटी है क्रिस्टल कंपनी की। और बात करें इन वैरायटियों को किन किन मिट्टियों में लगा सकते हैं, तो इन वैरायटियों को आप सभी प्रकार की मिट्टियों में उगा सकते हैं। दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, पीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, सभी प्रकार की मिट्टियों में आप इन वैरायटियों को उगा सकते हैं। बात करें इनको राज्यों में, तो आप भारत के सभी राज्यों में इन वैरायटियों को उगा सकते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, असम, मणिपुर, मेघालय, राजस्थान, छत्तीसगढ़, सभी राज्यों में आप इन वैरायटियों की बुवाई कर सकते हैं। तो ये रही क्रिस्टल कंपनी की टॉप 3 ज्वार की हाइब्रिड वैरायटी, जो कि ये काफ़ी अच्छी वैरायटी है और इनको आप हरे चारे के लिए लगा सकते हैं। तो देखते रहिए बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान, जय किसान।